पाकिस्तान की यंगेस्ट गर्ल है जिसके पास एक्सेलेंस अवार्ड भी है, और एक्सेलेंस अवार्ड सिर्फ अच्छे प्लेयर्स को जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उनको ही मिलता है। बारह साल की थी तब से मुझे शौक था, मैं बोलती थी मुझे बैडमिंटन खेलना है, और तब से मैं बैडमिंटन में आ गई थी। और मैंने भी काफ़ी सिटी में खेला है, इवन कि मैंने पूरे पाकिस्तान में खेला है, पाकिस्तान से बाहर मलेशिया में भी खेला है। मेरी रैंक नंबर 3 है पाकिस्तान में, और मैं 18 साल की हूँ। और ये कि हमने काफ़ी अचीवमेंट, हमारे पास काफ़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम पाकिस्तान की यंगेस्ट गर्ल हैं जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके पास इतने गोल्ड मेडल्स हों, ट्रॉफीज़ हों। कि अभी 2017 से हम कायद अजम गेम्स हमने जीते, 2018 में हम अंडर 18 चैम्पियन बने, मेरे सिस्टर अंडर 16 चैम्पियन बने, उस 2021 में मैं सीनियर टॉप रैंकिंग सीनियर जीत के नेशनल चैम्पियन बनी थी। बचपन से ही था कि किसी स्पोर्ट्स में ज्वाइनिंग देनी है ज़रूर, तो इस तरह मतलब बाबा को ये था कि ना हम बैडमिंटन में जाएं, क्योंकि ये एक इंडोर गेम है और एक सेफ गेम भी है, तो हम इसलिए इस गेम में आए। हम यहाँ आयुबी स्टेडियम में खेलते हैं, और यहाँ पे जब हम आते हैं उस टाइम सारे जो हॉल्स हैं यहाँ पे, सारे कोर्ट वो सारे फुल हुए हुए होते हैं। उसके बाद हमें सारे बॉयज़ बैठे होते हैं, इवन के ऑडियंस बैठी होती है, फिर उनके सामने दो गर्ल्स का खेलना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, कि मतलब हमने अपनी टी शर्ट में अब हमने खेलना भी है, और अब हम इस तरह हमें कंफर्टेबल भी नहीं होगा बगैर ट्राउज़र और शर्ट के, अब हमने उसमें खेलना भी है। इसी बलूचिस्तान की सरजमीन से मेरा ताल्लुक़ है, और यहीं से मैं इन बच्चों को बना के लेके गया लाहौर में। वहाँ पे जब हम नेशनल खेलें तो सारा लाहौर क्या पूरा पाकिस्तान हैरान है कि बलूचिस्तान में कहाँ से आया इतना टैलेंट। अब मैं तो यही समझता हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ 5-7 साल लगा लेंगे, 8 साल, तो उन बच्चों को पेरेंट्स की बड़ी ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि बच्चे जब कीमती हो जाते हैं तो वो कीमती वो नहीं हो रहे होते, वो कीमती उसकी फैमिली हो रही होती है, और फैमिली में अपने पेरेंट्स को बच्चे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि सबसे बड़ा चौकीदारा जो है अपने बच्चों का उनके पेरेंट्स ही होते हैं। तो अब बच्चे चाहते हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ अपने बच्चों की इस प्रोग्रेस से। मेरे हाथों की तराशे हुए पत्थर के सनम,